नमस्कार सभी प्रिय दर्शकों को। ये जंगल है हमारा कठहतवाड़ा मठखाली का, और इसमें आप देख रहे होंगे ये आते हैं ये पार्टी आर्टी करने के लिए। लड़के लड़कियां लोग आते हैं, पता नहीं कॉलेज पढ़ते हैं क्या करते हैं, रोज आते हैं। और इन्होंने आज ये हाल कर रखा है, ये यहाँ पर बर्तन साफ किए होंगे। ये देखो ये सरकारी पाइपलाइन है, इतना खोल रखा है, आज 3 दिन हो चुके हैं, और कितना आइटम खा रखा है, कितना प्रदूषण कर रखा है आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये बोतल इस टाइप से फोड़ रखे हैं, सारे चलने लायक नहीं कर रखा है इधर। और ये सारे शीशियाँ फोड़ के ये सारे कहीं चलने लायक ही नहीं है। ये बियर की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, और ये हड्डियाँ हैं, और ये इस टाइप के ये खा के ये जानवर इसको खाएंगे, बीमार हो जाएंगे, किसी का नुकसान हो जाएगा। और ऐसे कांच की पिन्नियाँ फेंक रखे हैं, ये बोतलें फोड़ रखे हैं, ये हाल कर रखा है जंगलों में। इसको न विभाग देखता है न कोई, और ये टाउन एरिया में आता है, ये इस टाइप का कर रखा है ये। और जगह जगह बोतलें इस टाइप से फोड़ रखे हैं। ये बच्चे स्कूल पढ़ते हैं पता नहीं, या दारू पीते हैं, दारू पीने के लिए इनके माँ बापों ने लगा रखा, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता है। और ताश भी खेलते हैं, ये ताश की पत्ती, ये शराब की बोतलें हैं, ये ग्लास, ये देखो आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा इलाका इन्होंने ये शीशी फोड़ के ऐसे कर रखे, सारे शीशी ये शीशियाँ फोड़ के। अभी इधर पर आप देखेंगे ये थालियाँ हैं, और कल इतने बोतलें और ये बियर की पी रखे हैं, इस टाइप से किया है पूरा इलाके में इन्होंने। एक बार मैं पिछले महीने इधर आया, मैंने कहा यार कबाड़ी वाले को बुला के लाया, कबाड़ी से बोला मैंने कहा इनको ले जाओ, करीब वो 10 बोरे यहाँ से उठा के ले गया। और उसके बाद इन्होंने पूरा, आप देख पा रहे होंगे पूरा, ये हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पीछे से है, और अगर हम इन लोगों से कुछ कहें तो ये झगड़ा फसाद वगैरह वगैरह करते हैं। और इनकी चूली लगी पड़ी है, एक चूली इधर है, दो दो तीन तीन गैंग आते हैं, अलग अलग गैंग है इनका। जैसे कि ये अब बकरियाँ ऐसे खा दे रहे हैं, बाद में ये कागज़ पिन्नियाँ सब खा लेते हैं ये। और कई पशुपालकों के कई बकरियाँ मर चुके हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं, और सारे शीशियाँ ही शीशियाँ फोड़ रखे हैं। अरे आओ खाओ, ऐसा करो, जो भी करना है तमीज़ से रहो, ऐसे शीशे फोड़ दिए, ये चलने लायक नहीं बना रखा है। धन्यवाद, जहाँ तक इस हो सके इस वीडियो को खूब वायरल करना। धन्यवाद, नमस्कार।